चैनल के थ्रू अगर विजिट करते तो आपको कुछ ना कुछ मतलब कि डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 20 रुपए छोटा। गाइस वेलकम बैक विद द न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों को लेकर के चलने वाला हूँ रंजीत इक्वा स्टोर, जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप के मछली मिलेंगे जो कि ओवरऑल झारखंड में अवेलेबल नहीं होते हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाला है। और वहाँ का एक खास बात ये भी है गाइस कि वहाँ पे 20 रुपये से लेकर के 40-50 हज़ार रुपये तक आप लोगों को वहाँ पे मछली मिलने वाला है। तो फिलहाल आप लोग सिनेमैटिक शॉट्स का मजा ले, फिर वहाँ पे मिलते हैं तो बात करते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं शॉप के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रंजीत सर हम लोग को यहाँ पे आज बताएंगे यहाँ के फिश के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फिश अवेलेबल है, ठीक है। और फ्यूचर में आने वाले कौन कौन से फिश यहाँ पे अवेलेबल होगा जो कि मिल सकेगा, ठीक है। गोल्ड हो गया, सुबान किंग हो गया, रेड कैप हो गया, कार्प का वैरायटीज है। हाँ, तो सर मतलब कि प्राइस कितने तक में आ जाता होगा ऐसा? प्राइस विद इन द रेंज है, लाइक 20 रुपीज का भी है, मतलब 20 रुपए से भी स्टार्ट। 20 रुपए, हाँ 20 रुपए छोटा देख सकते हो, 20 रुपए से भी मतलब कि स्टार्ट होता है। तो वैसा कुछ नहीं है कि आपको यहाँ आने के लिए 1,000 रुपया 2,000 रुपया अपने पॉकेट में लेकर के आना होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम पहले तो आप विजिट करें यहाँ पर, यहाँ का टाइप देखे, ठीक है। उसके बाद फिर देखने के बाद फिर आप आकर के यहाँ देख सकते हो, यानी कि आप देख सकते हो 20 रुपए से भी मैं आपका मतलब मछली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे और देखते हैं हम लोग। इसी में सेम गोल्ड का वैरायटीज है, स्मॉल वैरायटीज, गोल्ड, एंटी गोल्ड, हाँ, लाइक टाइगर बार्क, स्मॉल, लार्ज, हाँ, इवन अल्बिनो टाइगर। सेम सब 15, 20, 30, 50 तक आप देख सकते हो। 10 रुपए से लेकर 30-40 रुपए के अराउंड में आप लोगों को यहाँ पे, हाँ, इसमें कुछ गोल्ड है जो कि 200-250 रुपए, वो अप टू साइज एंड क्वालिटी डिपेंड करता है। हाँ। और जैसा कि देख सकते हो ये तो रहा कुछ लोअर प्राइस का। अब आगे अब हम लोग बात करते हैं जो कि यहाँ पे कुछ कॉस्टली प्राइस के भी मतलब फीस है जो कि अब दिखाएंगे हम लोग अभी, ठीक है। फ्लावर हॉर्न का वैरायटी है जिसको थाई सिल्क फ्लावर हॉर्न में काउंट आता है, वो थाई सिल्क हो गया। इधर है सार्डीज है, ये आपको बेसिकली कॉमन सिल्वर अरवाना है, थोड़ा सा पॉसिबल होता है। लो रेंज ये आपको जो रिटेल है, रिटेल अप टू साइज डिपेंड करता है एंड क्वालिटी, हाँ, लाइक 1,500, 2,000, 2,000 अप टू साइज, लाइक ये 9 to 10 inches लगभग 1 फीट का है। ये हाँ? जो है ये साइज पे डिपेंड करता, साइज पे डिपेंड करता है और क्वालिटी पे डिपेंड करता है। स्टार्ट हाँ? होता है इसका प्राइस वो करीबन 1,500 से 2,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन डिपेंड हाँ? करता है साइज पे। हाँ, ये आपको सेम फ्लावर हॉर्न SRD सुपर रेड ड्रैगन बोलते हैं इसको, उसी वैरायटी उसी में SRD के तहत आता है। लाइक बहुत तरह का है काम, कितने आ जाता है प्राइस? ये 4,000, 5,000 to 8,000 अप टू साइज एंड क्वालिटी, सेम फिश का यही चलता है। क्वालिटी भी डिपेंड करता है। और ऐसे अगर बात किया जाए तो 4,000, 5,000 से इसका ये जो फिश है वो स्टार्ट होता है साइज। हाँ, साइज नहीं नहीं स्मॉल का लो रेंज भी है, 1,000 रुपीज भी, 2,000 लाइक। और सबसे महंगा फिश जो कि यहाँ पे अवेलेबल है उसका बात करते हैं, सबसे है जिसको हाईबैक अरवाना बोलते हैं, ठीक है। हाईबैक है, इंपोर्ट है, डायरेक्ट मलेशियन इंपोर्ट है। हाँ, अभी इसका साइज अप्रॉक्स 16 to 17 inches का साइज है। हाँ, अभी इसका प्राइस कितना होगा? अभी अप्रॉक्स डिपेंड करेगा कस्टमर पे, वो कैसे रखने वाले हैं, हाँ, क्या है, फिर भी 35 to 40, 45 तक जाएगा ये। मतलब कि वही समझे कि 40,000 तक में ऐसा मछली, ये जो मछली है वो उस पे मतलब कि साइज पे डिपेंड करता है सबसे ज्यादा, है ना, इम्पोर्ट। हाँ, साइज एंड क्वालिटी, क्वालिटी इज द मेन। साइज अगर आपका मिल भी जा रहा है, अगर प्राइस देख सकते हैं तो 40,000 से 50,000 के अराउंड में आता है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि इस मछली को लेने के लिए आपको तो सबसे पहले सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है ना। सर्टिफाइड होने से कंफर्म रहता है कि ओरिजिनल है, बढ़िया है, अच्छे फार्म से है। आगे का जो फार्मिंग वाला है वो भी मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ, वो आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं आगे। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो यही यहाँ पे पाउंड है जो कि यहाँ पे पूरा फिश को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ आप देख सकते हो इन्होंने खुद का मेहनत से इसे बनाया है। जैसे कि आप कितना दिन लगा ऐसे जनरली बनाने में? अपने हाथों से बनाते हैं, तीन चार दिन में इसको कंप्लीट करके, क्योंकि थोड़ा सा फाउंटेन भी है, थोड़ा दिसन यहीं पे हार्वेस्ट हो जाता है, फिर इसको स्पेस मिल जाता है तो अच्छा रहता है, फ्रेशनेस बनी रहती है। अगर मेरे चैनल के थ्रू अगर विजिट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ मतलब कि डिस्काउंट भी मिल जाएगा साथ ही साथ, और अगर ठीक है तो आप कुछ बताइए। आप फिश फूड में सारा अवेलेबल है, ऑप्टिमम है, टोक्यो है, लो रेंज थोड़ा रखना हम कम पसंद करते हैं क्योंकि ये कॉमन फूड है, अच्छा फूड है, अच्छा चल रहा है और टाइम टू टाइम चेंज होता है। लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताएं, और ये शॉप का जो पूरा डिटेल है वो मतलब कि डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे, साथ ही साथ इनका व्हाट्सएप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर सब मेंशन कर देंगे, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। ठीक है, पहले एक बार आप आओ शॉप पे विजिट करो, शॉप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सब मिलेगा, और जो मछली आप लोगों को नहीं भी मिलता है वो ऑर्डर करके भी आ जाएगा फ्यूचर में, और भी बहुत सारी चीज़ खुलने वाले हैं इनके। ठीक है, तो वो भी मैं आगे आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो पता ना क्या करना, लाइक करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो सब्सक्राइब करना, और रंजीत इक्वा स्टोर का जो यहाँ पे आप देख रहे हो बैनर वो आपका पूरा डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को ऐड कर दूंगा, वहाँ से जा करके देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए एपिसोड के साथ, तो चलिए बाय।